गुड इवनिंग क्लास, होप मै वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। इट इज 7:01 PM, लेट अस स्टार्ट द क्लास। आवर रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। यस, सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक लाइट। ओके, सो टिल येट वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक लाइट फॉर द लास्ट टू क्लासेस। आज के क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ओके, बेसिकली आज के क्लास में हम आई के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ब्लाइंड पीपल किस तरीके से किसी भी वर्ड को पढ़ते हैं और समझते हैं, मीन्स जिसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि इस अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। सो वी हैव डिस्कस स्टार्टेड द टॉपिक लाइट। सबसे पहले हमने यह डिस्कस किया कि वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। व्हाई? बिकॉज जितने भी ऑब्जेक्ट आप अपने आसपास में देख रहे हो वो या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है या इमिट करती है, तो वो लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती है, फिर इसके वजह से आप उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में क्या होगा, नोटबुक होगी, पेन होगी। ओके, सो नोटबुक और पेन आप देख पा रहे हो बिकॉज जो लाइट नोटबुक रिफ्लेक्ट कर रही है वो आपकी आंखों तक पहुंच रही है। ओके, इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ सन। ओके, तो सन क्या है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो आप वैसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो या तो वो लाइट इमिट करे या लाइट रिफ्लेक्ट करे और वो आपकी आंखों तक पहुंच रही है, राइट? सो व्हाट मेक्स द थिंग विजिबल, ये टॉपिक हमने ये डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक सरफेस पे फॉल करती है, स्ट्राइक करती है, तो उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं और फिर वो क्या होती है, बाउंस बैक होती है, एंड दैट रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। तो जब हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को हम एक प्लेन पेपर पे बनाएंगे तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जब आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री टू द मिरर, देन यू विल सी दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, तो आप यहाँ पे देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच की जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज नॉर्मल? ओके, नॉर्मल एक ज्योमेट्रिकल लाइन है, ओके, जो कि ये मिरर पे 90 डिग्री बनाती है। ओके, दिस इज 90 डिग्री। ओके, मिरर से जो लाइन 90 डिग्री बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ओके, सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज आई, दैट स्टैंड फॉर इंसिडेंट रे, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस दैट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, राइट? सो दिस इज फिगर 16.6 एंड 16.7। 16.6, इन फिगर 16.6 यू सी द
पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन अ इरेगुलर सरफेस एंड 16.7 रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इरेगुलर सरफेस। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेगुलर और इरेगुलर सरफेस, जैसे हमने अभी मिरर का एग्जांपल लिया, तो मिरर के केस में जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है, और यहाँ पे 16.6 फिगर में आपको एक रफ सरफेस दी गई है और उस पर लाइट इंसिडेंट कर रही है, बट आप फिगर 16.7 में क्या देख रहे हो, डैट लाइट जो बाउंस बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में हो रहे हैं, राइट। बट अगर यही पे मिरर रहता तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वहां पे मिरर के केस में आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रेगुलर सरफेस एंड इरेगुलर सरफेस। लेट अस मूव ऑन। सो इन फिगर 16.8 यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर यू कैन सी दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। हाँ, ये हम लोगों ने डिस्कस किया डैट, जब आप सैलून जाते हो तो आप अपने ही इमेज को इनफाइनाइट टाइम्स देखते हुए, बिकॉज व्हेन वी प्लेस टू मिरर एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री, ओके, दो मिरर को जब आप आमने सामने रखते हो तो वहां पे इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि जब हम दो मिरर को 90 डिग्री पे रखते हैं तो कितने एंगल, कितने इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में पूछा भी था, तो आपने आंसर चैट बॉक्स में बताया। सो यहाँ पे दो मिरर को 90 डिग्री पे प्लेस किया गया है और एक क्वाइन रखा गया है एज एन ऑब्जेक्ट, एंड यू सी दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ थ्री इमेज टेक्स प्लेस। ओके, सो व्हेन टू प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन यू विल गेट थ्री इमेज। ओके, इन केस ऑफ 180 डिग्री यू विल गेट द इनफाइनाइट इमेज। सो ये 90 डिग्री और 180 डिग्री आप ध्यान में रखिएगा, ओके, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछे जाते हैं, राइट। और आप घर पे इसके डायग्राम भी बना सकते हो कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। नाउ लेट अस मूव टू द आई। ओके, सो बेसिकली हमने ऊपर में आई के बारे में सिर्फ इतना ही डिस्कस किया कि जब कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के या इमिट होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है, देन वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो बट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ आई, राइट। सो यहाँ पे हम आई के बारे में, आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट अस मूव टू हेयर। यस, so we see things only when light coming from them enters our eyes. okay, हम सिर्फ और सिर्फ वही ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिस ऑब्जेक्ट से लाइट या तो इमिट होकर के या रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज में एंटर करती है, राइट। सो द आई हैज अ रफली स्फेरिकल शेप। आई क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, रफली, ओके, नो टोटली स्फेरिकल। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, ओके, इट इज टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम द एक्सीडेंट। ओके, आंख की जो आउटर कोटिंग होती है, आउटर लेयर, उसकी कलर क्या होती है, वाइट होती है, ओके, ये थोड़ा टफ होता है ताकि ये हमारी आंखें, आईज की जो इंटीरियर पार्ट है उसे एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट कर सके। ओके, इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड एज आयरिस, कॉर्निया, राइट। हाँ, सो कॉर्निया, सो यहां पे आप क्या देख रहे हो, दिस इज
दिस इज व्हाट, दिस इज कॉर्निया, राइट? सो बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आयरिस. ये क्या है? दिस इज आयरिस, राइट? दिस इज आयरिस, आई आर आई एस. इन द आयरिस देर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल. आयरिस में क्या होता है? एक बहुत ही स्मॉल ओपनिंग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल. सो प्यूपिल याद रखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल डिस्कस लेटर. द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आयरिस. जो आपके आई की या हमारे आई की जो प्यूपिल होती है उसकी साइज क्या होती है? कंट्रोल होती है, वो घटती है और बढ़ती भी है. ओके, द साइज ऑफ प्यूपिल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज. ओके, सो इट डिपेंड्स. द आयरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट इट्स डिस्टिंक्टिव कलर. ओके, सो यहाँ पे आप आयरिस देख रहे हो तो आप बोलते हो कि किसी का आई ब्राउन है, ब्लैक है और नीला है, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द आयरिस. आयरिस की कलर को ही हम देख के बताते हैं कि किसी का आई ब्राउन है, ब्लैक है. ओके, और वॉट एवर द कलर, वी रेफर एक्चुअली द कलर ऑफ द आयरिस. द आयरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन टू द आई. लेट अस सी हाउ. सो बेसिकली हाँ, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कभी आप धूप में जाते हो और धूप में जाने के बाद आप अचानक रूम में एंटर करते हो तो क्या होता है? तो आपको अंधेरा जैसा दिखता है, राइट? आपको ऐसा एहसास होता है डैट कि मैं थोड़ा कम देख पा रहा हूँ, राइट? बट कुछ देर के बाद फिर आप सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है, राइट? सो बेसिकली होता क्या है, जब आप धूप में जाते हो तो आपकी जो आईज की जो प्यूपिल है वो क्या हो जाती है, उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लाइट है. ओके, और आपकी आंख को, आई को उतनी लाइट की जरूरत नहीं है. ओके, तो प्यूपिल की आईज क्या होती है, ये द साइज ऑफ प्यूपिल गेट रिड्यूस. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक विंडो इतना बड़ा है और एक विंडो आप इतना छोटा ले लो. ओके, सो ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस डैट छोटी वाली जो विंडो है, खिड़की है, इसमें कम लाइट पास करेगी और बड़ी वाली जो विंडो है इसमें बहुत ज्यादा लाइट पास करेगी. ओके, सो जब आप धूप में जाते हो तो वहां पे बहुत ही एक्सेस ऑफ लाइट है. ओके, सो इस प्यूपिल की साइज डिक्रीज हो जाती है, इसके बावजूद भी हमें बहुत दिखाई देता है. फिर जब अचानक हम रूम के अंदर आ जाते हैं तो ऑब्वियस बाहर से के कंपेयर में रूम में रोशनी थोड़ी कम है. ओके, बट हमारी जो प्यूपिल है वो, सिंस वी आर इन सनलाइट, सो द साइज ऑफ प्यूपिल इज स्मॉल, राइट? सो जब आप अचानक रूम में आते हो तो इट विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट इट्स साइज. ओके, प्यूपिल अपने साइज को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो व्हेन यू एंटर द रूम, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा डार्क जैसा दिखता है. ओके, इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो सोल्जर्स होते हैं वो, फॉर एग्जांपल कोई मिशन पे हैं और कहीं पे स्ट्राइक कर रहे हैं, राइट? सो वो बाहर में है और उन्हें अचानक कोई घर में एंटर करना है, राइट? सो बाहर में क्या है, काफी लाइट है, राइट? सो इफ दे एंटर डायरेक्टली इनटू द हाउस देन देयर विजन विल बी रिड्यूस. ओके, चूंकि उनका प्यूपिल का साइज बहुत मींस छोटा हो जाएगा जब वो बाहर में रहेंगे और अंदर आएंगे तो उन्हें कम देखेगा. तो इसके लिए जब वो घर में प्रवेश करते हैं तो एक आंख को क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं. ओके, सो एक आंख क्लोज हो गया तो प्यूपिल का साइज एज इट इज रहता है, राइट? सो इससे उन्हें क्या होती है, अचानक एडजस्ट करने में तकलीफ नहीं होती है.
सो आप इंटरनेट पे प्यूपिल की साइज के बारे में पढ़िएगा, आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे आउल जो रात में भी देख सकते हैं, राइट। हाँ, तो यहां तक अभी हम लोगों ने आयरिस और प्यूपिल के बारे में डिस्कस किया, अब यहाँ पे आप देख रहे हो लेंस, राइट। जो भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही है ये लेंस पे पड़ती है, ओके। और ये लेंस क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी रेटिना पे बनाती है, ओके। रेटिना पे यहाँ पे क्या बना, इमेज बना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाकी मैं इरेज कर रहा हूँ जितना भी मैं लिखा हूँ, और फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल एक मैं कैंडल लेता हूँ, ओके, लेट अस टेक अ कैंडल, ओके। ये ह्यूमन आई के सामने एक कैंडल बर्न कर रही है, राइट। सो द लाइट फ्रॉम कैंडल विल कम टू द आई, ओके। चूंकि ये आंख कैंडल को देख पा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कैंडल से जो लाइट निकल रही है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, ओके। बट हाउ वी रिकॉग्नाइज दैट दिस इज कैंडल, हम कैसे ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज कैंडल। तो बेसिकली ये लेंस पे पड़े, तो लेंस का काम क्या होता है, जैसे दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ओके, बाहर ये निकला है तो इसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। लेंस के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ोगे। तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस में जब दो पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो किसी एक पॉइंट पे जाकर के ये मिलती है, ओके। तो यहाँ पे उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, राइट। ये कैंडल से लाइट आई एंड इट पासेस थ्रू द लेंस, ये लेंस से पास हो गई, तो ये लाइट यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ज हो जाएगी, ओके। कन्वर्ज मीन्स इस तरीके से आना, एंड इट विल फॉर्म अ इमेज ऑन योर रेटिना, ओके। आपके रेटिना पे एक इमेज बनेगा एंड दिस इमेज विल बी ऑफ कैंडल। जैसे प्लेन मिरर के सामने में आप खड़े रहते हो तो आपका इमेज प्लेन मिरर में बनता है, तो सिमिलरली द इमेज ऑफ कैंडल विल फॉर्म ऑन योर रेटिना। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देर इज ऑप्टिक नर्व, ओके, नर्व है, तो यहाँ से आपके ब्रेन में इनपुट जाएगा डैट दिस इज कैंडल, राइट। ये क्या है, कैंडल है, ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, द फर्स्ट वन इज कॉन एंड सेकेंड वन इज रॉड, ओके। सो कॉन का काम क्या होता है, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ओके। वैसी सेल्स जो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव रहती है उसे हम कौन सेल्स ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है और डिम लाइट के लिए रॉड सेल रेस्पॉन्सिबल रहती है, ओके। सो कौन सेंसेस कलर एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना, देर इज नो सेंसरी सेल्स, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, ओके। सो ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन पे यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं रहती है, मीन्स देर इज नो रॉड सेल और कॉन सेल्स, सो दैट स्पॉट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट, ओके। सो सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। जैसे यहाँ पे हमने कैंडल का इमेज किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया,
ये कैंडल का इमेज हमारे रेटिना पे बनी और यहाँ पे नर्व सेल है, राइट? तो यहाँ से इनपुट जाता है हमारे ब्रेन को दैट दिस इज दिस इमेज, राइट? द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमिडिएटली फ्रॉम द रेटिना. तो बेसिकली जब आप कोई मूवी देखते हो, फॉर एग्जाम्पल, ये समझने के लिए मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट? सो इसमें हम क्या देख रहे हैं, आपने क्या किया, दो पेज लिया, राइट? सो एक पेज में आपने क्या बनाया, दिस इज केज एंड दिस इज बर्ड, राइट? आपने दो पेज लिया, एक पेज में आपने केज बनाया और एक में क्या किया, बर्ड बनाया, ओके? और यू कैन से ये आपने एक ही पेज लिया, ये फ्रंट साइड है और बैक साइड में आपने क्या बनाया, बर्ड को बनाया, राइट? सो जब आप इस पेज को रोटेट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यू विल सी दैट द बर्ड इज इन द केज. ये बर्ड इस पिंजरे के अंदर में है, आपको ऐसा दिखेगा, राइट? सो ये कैसे होता है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? सो जो भी हम इसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं. सो जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी इंप्रेशन हमारी रेटिना से तुरंत वैनिश नहीं होती है, ओके? सो इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, ओके? 1 सेकेंड में कितनी मिली सेकेंड होती है, 60 मिली सेकेंड, ओके? 16 डिवाइड बाय 6, थ्री पॉइंट सेवन मिली सेकेंड, ओके? दिस इज इक्वल टू 1/16 सेकेंड लगभग, ओके? सो हमारी रेटिना पर जो भी इमेजेस बनती है, ओके, वो लगभग 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक रहती है, ओके? बट अगर कोई इमेज मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 पेजेस पे 5 इमेजेस है, राइट? पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, राइट? 1, 2, 3, 4, 5. और आपने क्या किया, इस ये 5 पेजेस को काफी स्पीड से स्लाइड किया, राइट? सो यहाँ पे ये ऐसा नहीं दिखेगा कि डैट दिस इज पेज, ओके? इफ द टाइम ड्यूरेशन इज लेस देन 1/16 ऑफ अ सेकेंड, तो आपको ये क्या दिखेगा, पिक्चर के तौर पे नहीं दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है, राइट? सो इफ स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट द रेट ऑफ फास्टर देन 16 पर सेकेंड, देन द आई परसीव्स दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग, ओके? इसके बारे में आप इंटरनेट पे और ढूंढ सकते हो, राइट? इसके अलावा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ओके? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके? यू कैन रीड दिस थिंग ऑन द इंटरनेट, राइट? इंटरनेट पे क्लास के बाद इसके बारे में और सर्च करिएगा, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर यूजिंग दिस एक्टिविटी, की किस तरीके से हमने एक पेज के फ्रंट साइड में पिंजरा बनाया और बैक साइड में पंछी का पिक्चर बनाया, एंड आफ्टर रोटेटिंग यू सी दैट द बर्ड इज इन द केज, राइट? सो बेसिकली जो भी मूविंग पिक्चर्स आप देखते हो, दैट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, राइट? सो जैसे यहाँ पे आप मेंशनड किया गया है, द मूवी डैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर इन प्रॉपर सीक्वेंस. जो भी आप मूवी देखते हो, दैट इज
दैट इज पिक्चर, ओके। वो क्या है, पिक्चर के तौर पे है बट एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहती है, राइट। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकेंड, सो वी सी अ मूविंग पिक्चर, ओके। तो बेसिकली जो भी आप मूविंग पिक्चर्स देखते हो वो उसमें इमेजेस रहती है, ओके। बट वो इमेजेस आपकी आंखों के सामने से, मीन्स एक सेकेंड में आप 24 पिक्चर्स के आसपास देखते हो, तो हमारे रेटिना की कुछ लिमिट है। इसके वजह से हमें क्या लगता है डैट दिस इज पिक्चर, दिस इज मूविंग, राइट। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड दिस। सो केसेस एंड बर्ड्स वाले एक्टिविटी 16.10 यू कैन डू एट योर होम। सो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे आप अगर कोई ऑब्जेक्ट लाओगे तो नहीं दिखेगा, राइट। जैसे आप अपनी बुक को पढ़ रहे हो और उसे आप आंख के काफी करीब ले आओगे, देन यू कैन नॉट इंटरप्रेट द वर्ड रिटन ऑन द पेज, राइट। सो द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, ओके। कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो अगर आप काफी पास जाकर के उसे पढ़ोगे देन यू विल फील स्ट्रेस ऑन योर आई, ओके। सो द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, राइट। सो कुछ आईज में कुछ डिफेक्ट होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पास की ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है, जिसे हम प्रॉपर लेंसेस से उस आई की डिफेक्ट को ठीक किया जाता है, ओके। जिन्हें आई की डिफेक्ट होती है तो उन्हें स्पेक्टिकल्स दी जाती है और उसमें कुछ प्रॉपर लेंसेस रहती है, जिसकी वजह से जो आईज में डिफेक्ट है, मींस जो इमेज फॉर्मेशन हो रही थी वो फिर से रेटिना पे होने लगती है। सो बेसिकली यू विल रीड दिस टॉपिक अगेन इन डिटेल्स इन क्लास 10। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द केयर ऑफ आईज। हम अपनी आंखों का किस तरीके से केयर कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है देन यू कैन यूज सुटेबल स्पेक्टेकल्स, ओके। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप सुटेबल स्पेक्टेकल्स आप ले सकते हो, राइट। सो देयर इज वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आई। जैसे आप हम पढ़ाई कर रहे हैं और काफी डिम लाइट है, ओके, या बहुत ही तेज रोशनी है, बोथ आर नॉट गुड फॉर आवर आई, राइट। सो अगर लाइट काफी कम है तो इससे हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगी और इट विल कॉज हेडेक, राइट। और इफ देर इज टू मच लाइट देन इट कैन इंज्योर आवर रेटिना, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सन को नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, राइट। बिकॉज वो क्या है, काफी टू मच लाइट हमारे रेटिना पे आती है, राइट। जैसे यहाँ पे 0.2 में दिया गया है, डोंट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। थर्ड पॉइंट इज दैट नेवर रब योर आईज इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गोज इनटू योर आईज, वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर। इफ देर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू अ डॉक्टर। हमें अपनी आंखों को अपने हैंड से रब नहीं करना चाहिए, ओके। कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ आपकी आंखों में चली गई देन यू शुड अप्लाई क्लीन वाटर, ओके। या जैसे हम स्टडी करते हैं और इफ वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक गैजेट लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ओके, तो एक सर्टेन इंटरवल पे हमें 40-45 मिनट पे हमें अपनी आंखों पे क्लीन वाटर से क्लीन करनी चाहिए, राइट। वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर।
ऑलवेज रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, डोंट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज और टू योर आईज और कीपिंग इट टू फार. ओके, मीन्स पढ़ाई करते वक्त हमें एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे बुक को रखनी चाहिए, विच इज कंफर्टेबल टू योर आई. ओके, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगे दैट देर इज ए स्ट्रेस ऑन द आई, राइट. सो यस, आपने क्लास सिक्स में बैलेंस डाइट के बारे में पढ़े होंगे. सो जब विटामिन ए की कमी होती है, ओके, इफ देर इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए विच कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन ए और नाइट ब्लाइंडनेस दोनों के बारे में आप क्लास सिक्स में पढ़े होंगे. ओके, सो विटामिन ए के कुछ सोर्सेस हैं रॉ कैरोट्स, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स, कोड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए. ओके, जैसे बेसिकली विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, डेट इज रिलेटेड टू आई. सो इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें वैसे ही सब्सटेंस अपने डाइट में शामिल करना होगा, डेट इज विटामिन ए रिच, राइट. एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर एंड फ्रूट सच एज पपाया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए. ओके, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट. ओके, सो वैसे व्यक्ति जो आंखों से देख नहीं पाते हैं वो भी, जस्ट वेट, वो भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं. ओके, सो हाउ इट इज पॉसिबल. तो जब आप कहीं ट्रैवल करते हो और मीन्स जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जैसे वैसे व्यक्ति जिन्हें नहीं कुछ दिखाई देता है उन्हें आप पैसे देते हो, तो वो क्या करते हैं, फिंगर से टच करके वो एहसास कर लेते हैं डैट दिस इज 5 रुपीज क्वाइन और 10 रुपीज क्वाइन, राइट. सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, डैट राइट साइड में CAT कैट लिखा गया है. ओके, सो नॉर्मल पीपल कैट को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बट ब्लाइंड पीपल ये तो देख नहीं सकते हैं, तो इनके लिए कुछ एक पार्टिकुलर इसे फॉर्म में चेंज किया गया, राइट. सो सी इज रिटन लाइक दिस, ए इज रिटन लाइक दिस एंड पी इज रिटन लाइक दिस. ओके, सो ये पेज पे नहीं लिखा गया है. ओके, ये आप इसे 3D बोल सकते हो. ओके, दिस इज लाइक इम्प्रेशन. फिर से मैं ट्रेन का एग्जाम्पल लेता हूँ. जब आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं या बस में, तो वहां पे सीट नंबर लिखी रहती है. तो फॉर एग्जाम्पल 57 सीट लिखी है, तो इस तरीके से भी लिखी रहती है और डॉटेड इम्प्रेशन से भी वहां पे 57 लिखा रहता है, सो दैट ब्लाइंड पीपल कैन रीड दैट दिस इज द सीट नंबर 57. ओके, सो यू कैन यस. सो ब्रेल सिस्टम हैज 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टरिस्टिक. Each character represent a letter, a combination of letter, common word or a grammatical sign, right? So, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, तो A से Z में आप 26 अल्फाबेट बोलते हो. So, ब्रेल सिस्टम जो है, that consists of 63 dot pattern, जिससे जितने भी यहाँ पे word वगैरह हैं, उसे उन 63 dot pattern की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट. सो यहाँ पे हेलन केरर के बारे में दिया गया है, आप इसके बारे में पढ़िएगा घर पे. व्हाट यू हैव लर्न. ओके, जस्ट वेट, मेरा स्क्रीन चला गया. यस, सो मैं इसे थोड़ा सा इट इज 7:36 तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. आपके अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो यू कैन रेज योर हैंड.
सो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सर्फेसेस, जितने भी सर्फेसेस पे लाइट पड़ती है वहां से लाइट की क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब सर्फेसेस स्मूथ पॉलिश राइट। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर कब होती है, जब सर्फेस रफ होती है। देर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ इज व्हाट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तीनों को जब आप एक ड्रॉ करोगे देन दे लाई इन द सेम प्लेन। इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगो लैटरल इन्वर्जन, ये हमने डिस्कस तो किया ही नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप आईने के सामने खड़े होते हो और आपके टी शर्ट पे फॉर एग्जाम्पल POLO पोलो लिखा गया है राइट। सो जब आप मिरर में देखोगे तो ये क्या होगा, आपको उल्टा दिखेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन राइट। सो इसे आप घर पे देख सकते हो। टू मिरर इंक्लाइंड टू इच अदर टू गिव मल्टीपल इमेजेस, तो हमने देखा कि किस तरीके से व्हेन वी प्लेस टू प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन थ्री इमेजेस आर फॉर्म्ड, एंड व्हेन वी प्लेस टू मिरर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इनफाइनाइट इमेज टेक्स प्लेस। कैलिडोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम ब्यूटीफुल पैटर्न हम कैलिडोस्कोप की मदद से बना सकते हैं। ओके, सनलाइट कॉल्ड व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, सनलाइट में कितनी कलर होती है, 7 कलर, जिसे हम VIBGYOR, वेव जियो, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट कंस्टिट्यूएंट कलर इज नाउन एज डिस्पर्सन, जैसे अगर व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। आई में कौन कौन सी पार्ट्स होती है, कॉर्निया होती है, आयरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द आई। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब आई डोनेट किया जाता है तो उसमें किस पार्ट्स, आई की पार्ट्स को डोनेट की जाती है, अभी आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप पढ़ते हैं। ओके, नेत्रदान, आई डोनेट राइट, आई डोनेशन। सो आई डोनेशन में कौन से पार्ट्स आई के डोनेट किए जाते हैं, प्लीज टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स, आपको 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ। देर इज वन आंसर, कॉर्निया, वेरी गुड, यस करेक्ट। सो ये आप याद रखिएगा। सो आई डोनेशन में बेसिकली कॉर्निया लिया जाता है राइट। नॉर्मल आई कैन सी नियर बाय एंड डिस्टेंट आई, सॉरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, हाँ जो विजुअली इम्पेयर्ड रहते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ब्रेल सिस्टम से वो पढ़ते हैं और लिखते हैं। ओके, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन डेवलप देयर ऑजर्स अदर सेंसेस मोर शार्पली टू इम्प्रूव देयर इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। हाँ, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। कुछ टॉपिक को मैंने कम डिस्कस किया, शॉर्ट में डिस्कस किया, उसी आप घर पे और पढ़िएगा इंटरनेट पे राइट। जैसे हमने आई के बारे में डिस्कस किया, सो आप घर पे आई का डायग्राम जैसे आपके बुक में दिया गया है वैसा डायग्राम बनाने की आप कोशिश करिएगा राइट।
फिर जैसे ब्रेल लिपि के बारे में हमने डिस्कस किया, तो एक बार आप अपने बुक से गो थ्रू हो जाइएगा किस तरीके से ब्रेल सिस्टम आया, राइट। सारी स्टोरीज काफी इंटरेस्टिंग है। आप इंटरनेट पे बहुत सारे टॉपिक्स को आप सर्च करके आप पढ़ सकते हो। ओके। हाँ, डिड यू नो, सो जैसे यहाँ पे डिड यू नो, इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग दी गई, सॉरी। हाँ, तो जैसे आप पिक्चर में बटरफ्लाई को देख रहे हो, या कभी आप क्रैब देखे होंगे रेनी सीजन में, ओके, तो क्रैब की जो आई होती है वो बैकवर्ड में भी देख सकती है, राइट। आई तो एक ही साइड फ्रंट में रहती है, बट क्रैब कैन सी बिहाइंड ऑल्सो। जैसे एक पक्षी जिसे हम उल्लू कहते हैं हिंदी में, आउल, राइट। सो द आउल कैन सी इन नाइट ऑल्सो, तो नाइट में आउल देखती है। तो इसका मतलब यह हुआ, हमने पढ़ा देर आर टू सेल्स, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर डिम लाइट, राइट। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। हाँ, रॉड सेल्स जो होती है वो डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और कॉन सेल्स जो होती है वो ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। तो अगर कोई ऐसा पक्षी है जो रात को आसानी से देख पा रही है, मीन्स डिम लाइट में देख पा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अ नाइट बर्ड आउल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। आउल को दिन के समय में नहीं दिखाई देता, ओके। बट कुछ ऐसे पक्षी हैं जो दिन में अच्छे से देखते हैं और नाइट में उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देती है। व्हाई? बिकॉज द आउल हैज अ लार्ज कॉर्निया एंड अ लार्ज प्यूपिल। आउल का जगह आप आंख देखोगे तो वो काफी बड़ी रहती है। तो जैसे हमने को बताया कि अगर एक इतना बड़ा विंडो है और एक छोटा सा विंडो है, तो कौन से विंडो में ज्यादा लाइट आएगी? बड़ी वाली विंडो, ओके। तो कोई आंख किसी भी पक्षी का इतना बड़ा है और किसी पक्षी का छोटा सा आई है, ओके। सो इट इज ऑब्वियस दैट द लार्ज आई विल कलेक्ट मोर लाइट, राइट। सो ऑल जो होती है, एक तो दे हैव लार्ज कॉर्निया एंड लार्ज प्यूपिल, इन एडिशन टू दैट दे हैव लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स। रॉड सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट, राइट, एंड अ फ्यू कॉन सेल्स। तो इसकी वजह से ऑल को रात में दिखाई देता है और दिन में दिखाई नहीं देता। दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? बिकॉज ओनली अ फ्यू कॉन सेल्स, ओके, दिन में ब्राइट लाइट रहती है, एंड द कॉन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ द ब्राइट लाइट, राइट। सो दिस इज अ रीजन बिहाइंड दिस, राइट। सो इट इज 7:45 PM नाउ। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। व्हेन वी विल इन नेक्स्ट क्लास देन वी विल डिस्कस द लास्ट चैप्टर दैट इज पोल्यूशन। इससे पहले स्टार एंड सोलार सिस्टम टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर्स के, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। जैसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस जैसे दिए हैं, तो यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे लास्ट में कुछ एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट दिए गए हैं, डेट यू नो दिए गए हैं, सो यू कैन गो थ्रू दिस। सो विद दिस नो टाइम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। नाउ यू कैन लीव द क्लास।